पार्किंग काफी बड़ी है भाई, ट्रक वाले इंसान नहीं है। ये देखो भाई, अहमदाबाद बड़ौदा वाला एक्सप्रेसवे ना, उसके भी भाई बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। पूरा रोड टूट गया है भाई, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं पूरे रोड पे, और भाई पानी भरा हुआ है देखो रोड के साइड में। अभी गाड़ी निकलेगी भाई, देखना कैसे पानी उछल रहा है। देखो भाई इतनी ज़्यादा बारिश है भाई कि रोड के साइडों में देखो आप, पानी भरा हुआ है भाई। बारिश के टाइम में भाई गाड़ी को अपने कंट्रोल में ही चलाएं भाई, क्योंकि बारिश में भाई गाड़ियों के ब्रेक बहुत ही कम लगते हैं। और जो छोटी गाड़ी वाले भाई हमारी वीडियो देखते हैं या बाइक वाले जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनको भाई मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आपको खास ध्यान रखना है बारिश में, किसी ट्रक के आगे भाई अर्जेंट ब्रेक नहीं लेने हैं, क्योंकि भाई ट्रक वाले धीरे धीरे चलते हैं तो कंटिन्यू चलते रहते हैं भाई, इसलिए उनके लेदरों में पानी जा जा के भाई ब्रेक नहीं लगते हैं फिर। ये देखो भाई यहाँ पे कारें निकलेगी, पानी देखो कैसे उछल रहा है भाई, इतना पानी भर गया भाई रोड के ऊपर है। ये देखो भाई ऑटो वाले ने तो बिल्कुल धीरे धीरे निकाली है भाई, लेकिन भाई हाईवे पे नज़र मारो एक बार, इस कारा है भाई, इस कारा है। कहां से घूम रहे हैं, और एक बार भाई पार्किंग का हाल देखो, मतलब भाई पार्किंग बनी हुई है अच्छी, फिर भी भाई कोई संभाल नहीं कर रहा है। ऐसे ही भाई गाड़ी वालों को दादागिरी दिखा दिखा के वो कर रहे हैं। इस साइड भाई कारों की पार्किंग है, सामने इंडियन ऑयल का पंप है भाई, ये होटल है इधर। हम भी भाई आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पार्किंग है ही नहीं भाई, देखते हैं भाई कहाँ पे मिलेगी पार्किंग। शायद लगता है भाई पानी के अंदर लगाना पड़ेगा गाड़ी अपने को। यहाँ पे मिली है भाई पार्किंग, लेकिन यहाँ पे पानी भरा हुआ है भाई। कोई बात नहीं है भाई, गाड़ी तो साइड में खड़ा हो जाएगा आराम से, कोई संभाल नहीं कर रहा है भाई, ऐसे ही गाड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं। ये देखो भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, पार्किंग काफी बड़ी है भाई, लेकिन यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, इसलिए गाड़ियाँ लगाने के लिए जगह नहीं है भाई। ये गाड़ी सही लगी हुई है भाई, बिल्कुल सूखा है वहाँ पे। और इस साइड भी भाई देखोगे आप तो होटल बने हुए हैं भाई, और आगे भी होटल बने हुए हैं, आगे देखेंगे भाई कहीं गाड़ी लगाने के लिए जगह मिलेगी क्या। आगे पार्किंग तो है भाई, लेकिन वहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी तो यहीं पे भी भरा हुआ है भाई। चलो आगे देखते हैं भाई, वहाँ पे लगाएंगे गाड़ी। ये देखो भाई क्या हाल बना रखा है पार्किंग का भाई, रोड वाले भी नहीं देख रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला अगर रुकेगा, गाड़ी खड़ी करेगा तो कहाँ पे खड़ी करेगा भाई। और ये भाई अहमदाबाद और बड़ौदा वाला एक्सप्रेस वे है भाई, ट्रक वालों की तो भाई कोई भी मतलब नहीं सोच रहा है भाई, ट्रक वालों को तो ऐसे समझ रहे हैं कि ट्रक वाले इंसान नहीं है। कारों की भाई पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने बिल्कुल होटल के सामने, और पीछे भी भाई कारों की पार्किंग है, वहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ है भाई, यहाँ पे ट्रकों की पार्किंग है भाई। यहाँ पे देखो आप कितना पानी भरा हुआ है, ये पानी भाई कहीं तो निकलता होगा, नीचे सीवर लाइन है भाई,
लेकिन कोई नहीं संभाल रहा है, कोई नहीं देख रहा है भाई। क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रक खड़े होंगे ना, कोई कार वाला खड़ा नहीं होगा या फिर कोई होटल वाला इधर नहीं आएगा भाई। तो भाई ये लाइफ है ट्रक वालों की। अगर भाई ये पार्किंग बिल्कुल सही हो ना, पानी ना भरा हो यहाँ पे, तो एक अपनी गाड़ी लगी हुई है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियाँ आराम से लग जाती भाई इधर। जो वो गाड़ियाँ आगे रोड पे खड़ी हुई है ना, वो गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं खड़ी होती भाई, अगर पार्किंग साफ होती तो। क्योंकि भाई उतरने के लिए भी तो जगह चाहिए। बहुत बुरा हाल है भाई इंडिया में ट्रक ड्राइवरों का। भाई हम पहुंचने वाले हैं राजस्थान बॉर्डर पे भाई, और रात को चले थे भाई हम बॉम्बे से, करीबन रात को 1 बजे निकले थे भाई बॉम्बे से, और अभी राजस्थान वाले बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं भाई। पूरा नाइट हो गया भाई गाड़ी चलाते हुए, सुबह 2 घंटा सोए थे भाई, उसके बाद धूप निकल गया था भाई, गर्मी हो गया था। 2 घंटे सोने के बाद वहाँ से उठ के भाई चाय पी के नाश्ता करके निकल पड़े थे, और अभी भाई राजस्थान वाले बॉर्डर पे हैं अबू रोड। देखते हैं भाई, अगर नींद नहीं आएगी तो फुल नाइट गाड़ी चलाएंगे आज भी। कल भाई गाड़ी अपनी शाम तक पहुँच जाएगी भाई, जहाँ पे अपने को गाड़ी अनलोड करना है। देखो अगर मॉर्निंग में गाड़ी अनलोड हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर देखते हैं, गाड़ी का थोड़ा काम करवाना है भाई, टायर चेंज करवाने हैं, और गाड़ी का सर्विस भी आ चुका है भाई, सर्विस करवाना है, कुछ गाड़ी का थोड़ा बहुत और काम है भाई, वो भी करवाना है। तो अपने को 1 दिन का टाइम मिल जाएगा भाई, और 15 तारीख की अपनी बॉम्बे की रिटर्न लोडिंग है भाई, जहाँ पे अपने को गाड़ी अनलोड करना है ना, वहीं से लोडिंग है भाई 15 तारीख को। अगर 14 तारीख को अपने टाइम से गाड़ी अनलोड हो जाती है, फिर तो भाई अपने पूरे के पूरे काम आराम से हो जाएंगे। तो भाई आज भी फुल नाइट गाड़ी चलाएंगे। ये देखो भाई, टोल के पास में इतना रोड टूटा हुआ है भाई, और जाम देखो भाई टोल के ऊपर आप एक बार, कितना लंबा जाम लगा हुआ है भाई। और ये गाड़ी भाई एक्सप्रेस वे पे खड़ी थी भाई, ये गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी है भाई, देखो आगे से लगी हुई है भाई गाड़ी, फिर भी हॉर्न बजा रहा है। अबे भाई इतना कुछ हो गया फिर भी सब्र नहीं है क्या? पूरी गाड़ी आगे से ख़त्म है भाई, फिर भी हॉर्न बजा रहा है, इतना कुछ हो गया तो भी भाई को सब्र नहीं है। टाइम टोल चालू होता है ना, तो इन पे इतने मतलब रूल रेगुलेशन होते हैं कि अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा टोल पे रुकते हो तो आपको टोल नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे भाई आधा घंटा खड़ा होने के बाद भी टोल देना पड़ता है। और टोलों पे भाई इतनी लंबी लाइनें लगती है, इतना टाइम तो भाई जब भी नहीं लगता था तब कैश में टोल कटते थे भाई। और यहाँ पे कोई नहीं बोलता है भाई, अगर ये गाड़ी वाले खड़े हैं, इनमें से एक भी गाड़ी वाले की अगर किसी गाड़ी वाले दूसरे गाड़ी वाले ने साइड दबा दी होती ना भाई, तो ये उसको मारने पे उतर जाते, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है भाई टोल पे। पर जो टोल पे अभी बंदा बैठा था ना भाई, बहुत ही समझदार बंदा था, पता नहीं भाई इतना समझदार कैसे था। ये जो आगे देखो मीलर लगा हुआ है ना, ये बीच रखने के लिए, ये जो छोटे वाला लगा हुआ है ना भाई गोल वाला, बोल रहा था कि भैया इसको बचा के रखना, कभी डंडा ना लग जाए इस पे। और इससे घटिया ड्राइवर नहीं है कोई भाई, ये भाई इंडिया में नॉर्मल बात है। पीछे वाली गाड़ी चाहे कितनी भी स्पीड में हो, पीछे वाले ही रोकेंगे। इस भाई साहब ने तो हाथ निकाल दिया, अभी अपनी गाड़ी रुके या ना रुके वो अपनी टेंशन है भाई, इस भाई की टेंशन नहीं थी। लेकिन गाड़ी इसकी साइड थी भाई, तो रोकने का इसका फर्ज था भाई।
क्योंकि हम अपनी साइड में चल रहे थे, ये अपनी साइड में चल रहा था, तो इसको रोकना था भाई गाड़ी, लेकिन हमें रोकना पड़ा क्योंकि भाई महसाणा सिटी के अंदर। देखो भाई एक बार महसाणा सिटी का नज़ारा देखो भाई आप। हम भी भाई करीबन से करीबन 4 साल के बाद महसाणा सिटी के अंदर आए हैं भाई। यहाँ पे तो भाई पूरा सिस्टम ही बदल गया, सर्विस रोड अलग से बना दिए गए भाई, मेन रोड अलग से है, शोरूम बन चुके हैं भाई, काफ़ी चीज़ें बदल गई है भाई महसाणा में। क्योंकि भाई महसाणा का बाईपास नया बनाया था बिल्कुल, तो अभी बारिश में टूट गया है भाई, और साथ में ब्रिज का भी काम चल रहा है भाई, शायद रोड चौड़ा किया जा रहा है भाई बाईपास वाला, इसलिए भाई महसाणा सिटी के अंदर से आए हैं हमें। एक बार भाई इस साइड नज़र मारो आप, मॉल बन चुके हैं भाई, पहले इतने बड़े बड़े मॉल नहीं थे भाई, यहाँ पे दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें थी भाई। भाई यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, अहमदाबाद की साइड से आते हैं ना तो महसाणा में इंटर होते वहाँ पे एक ब्रिज है भाई, बाकी महसाणा सिटी में कोई ब्रिज नहीं है भाई, क्योंकि महसाणा का बाईपास बन चुका है भाई, तो बड़ी गाड़ियाँ उधर से निकल जाती है, वहाँ पे बना हुआ है भाई ब्रिज। ऊपर अगर आप देखोगे तो महसाणा सिटी है भाई, और नीचे बना हुआ है बहुत काफी बड़ा अंडरपास भाई, ये देखो, और कलर भी भाई बहुत सुंदर कर रखा है भाई, लेकिन यहाँ पे सीमेंटेड रोड है ना भाई, इसलिए कैमरा हिलर है, ये देखो भाई। गुजरात में तो अभी भाई ये ज़्यादातर सिटी के अंदर अंडरपास ही ब्रिज बन रहे हैं भाई, ऊपर वाले ब्रिज पता नहीं भाई क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन भाई जो ऊपर से ब्रिज बनाते हैं ना उससे अच्छा है भाई ये। इसके नीचे भाई अंडरपास के नीचे आपने देखा कितनी लाइटें लगी हुई थी भाई, कितना प्यारा लग रहा था। ये महसाणा की मेन सिटी है भाई, और सिटी भी काफ़ी बड़ी है भाई, महसाणा की छोटी सिटी नहीं है भाई। सामने वाला ये भाई फ्रंट शीशा है ना अपनी गाड़ी का, इस पर भाई बारिश के कारण मिट्टी मिट्टी हो गया, इसलिए आपको शायद कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा भाई। कैसे हो? तो भाई थोड़ा सा आवाज़ में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा भाई, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि कल से तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है भाई, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना भाई, इसलिए थोड़ा सा बुखार हो गया था भाई, मतलब थोड़ा सा तो क्या भाई, पूरा ही बुखार हो गया, ऐसे चल रहा है भाई मौसम। पीछे बिल्कुल साफ मौसम था भाई, यहाँ पे बारिश हो रही है, और हम पहुँच गए हैं भाई सिरोही, और आगे आएगा भाई जो सिरोही वाली सुरंग है ना वो आएगी अभी भाई। एकदम इतना तेज बारिश आ गया भाई, देखो बाइक वाले लग गए साइड में भाई, देखो भाई यहाँ पे धूप निकली हुई है, और आगे जाएंगे ना यहाँ पे देखो बिल्कुल मौसम ठंडा है, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल सही मौसम है, और यहाँ पे देखो भाई
इतनी दूर में धूप आ गई भाई, इतनी ज्यादा तेज। ये देखो भाई यहाँ पे धूप है, पीछे बारिश हो रही थी भाई। ये देखो साइड में आपको शीशे में नजर आ रहा होगा, और लेफ्ट साइड में देखो भाई पीछे, भाई 200 मीटर पीछे बारिश हो रही थी और यहाँ पे धूप निकली हुई है भाई बहुत ज्यादा। और अगर आप है आबू रोड की साइड से आ रहे हो, अगर आप आबू रोड की साइड से आ रहे हो ना भाई, तो आपको गाड़ी को नूडल नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि आबू रोड की साइड से आते हैं ना तो बहुत ज्यादा डाउन है भाई। और आपको यहाँ पे गाड़ी नूडल नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत ज्यादा हादसे हुए हैं भाई। ये देखो भाई कितना प्यारा नजारा है भाई ना। और इस साइड से आते हैं ना भाई, सुमेरपुर की साइड से, तो चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है भाई, चलो चलो चढ़ता है भाई पहाड़ के ऊपर। और एक बार नजारा देखो भाई आप, और अपने को घूम के जाना है भाई, ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना इस साइड में। तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है भाई रोड की, और इस रोड को भाई यहाँ पे क्योंकि गाड़ियों के ब्रेक बहुत ज्यादा गर्म होते हैं भाई, यहाँ पे लेदर गर्म हो जाते हैं भाई। ये देखो कितना प्यारा नजारा है भाई, ये देखो भाई, और सामने है भाई सुरंग, अभी निकलेंगे सुरंग के अंदर से भाई। इसकी हमने पहले वीडियो बनाई थी भाई, लेकिन वो किसी रीजन से भाई डिलीट हो गई थी, लेकिन अभी हमने भाई इसीलिए हम नाइट में वहाँ पीछे सो गए थे भाई, कि सुबह इसकी वीडियो जरूर बनाना है सिरोही वाली सुरंग की। ये देखो भाई बाहर की साइड आप देखोगे ना भाई, तो बहुत ही प्यारी सीनरी बना रखी है भाई। ये देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा है भाई, वो आने वाली साइड है भाई, और ये जाने के लिए अलग अलग है भाई, इसमें कोई कट नहीं है बीच में भाई, क्योंकि भाई इसके ऊपर लोहे की टील लगा रखी है भाई, ताकि क्योंकि भाई ये थोड़ा इसीलिए भाई ये बीच में भाई करीबन है 'Sad' महंगे लगते हैं ना जो टोल बढ़ते रहते हैं। गाड़ियां सिरोही के अंदर से आती थी भाई, तो पहाड़ी इतनी ज्यादा नहीं लगती थी। सुरंग बनाई है भाई, पहाड़ की कटाई हुई है, सुरंग तो इसीलिए भाई ये सिरोही वाला टोल बढ़ाया गया था भाई। पहले ये करीबन 100 कुछ रुपए का लगता था भाई, और अभी ये 300-350 रुपए का लगता है भाई। लेफ्ट साइड में ये जो सफेद सफेद आपको बिल्डिंगें नजर आ रही है ना भाई, ये सिरोही है। देखो भाई पहाड़ के ऊपर से कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, ये देखो भाई। नजारे लेते रहो भाई आप, भाई आपको ऐसे ही नजारे ऐसी मजेदार वीडियो आती रहेगी भाई हमारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट।